युद्ध आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था या नहीं था। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को सौंपा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों में से एक चांसलर, ऑफ एक्सचेकर 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर कामा लगाइए, एक 6 मेंबर्स के बारे में बता रहा है। पहले मेंबर के बारे में आपने लिखा, ठीक है। दूसरा मेंबर कौन होता था? एक राज्य सचिव, तथा 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। चार सदस्य प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। पैराग्राफ चेंज करें। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, जिसे इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, दूसरा नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट। अब आप थोड़ा सा, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 इकाई बनी, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह 24 सदस्यीय निकाय है। वो क्या करते हैं, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए जो गाइडलाइन जारी करनी होती है, दिशा निर्देश जारी करने होते हैं, वे करेंगे। वहीं पर आपने दूसरी निकाय के बारे में देखा, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है? सैनिक, असैनिक या राजस्व संबंधी जितने काम होंगे, जिसमें 6 सदस्य हैं, जो 4 प्रिवी काउंसिल के हैं और बाकी 2 सदस्यों के बारे में आपने देखा। ये 6 सदस्य जो गवर्न होंगे वो किसके अधीन गवर्न होंगे? ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से। यानी कि ये जो 6 सदस्य होंगे, सीधे इनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा, यानी कि वहां का जो शासक होगा वो गवर्न करेगा इनको। और इसका मतलब है कि इन 6 निकायों के माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश शासक यहाँ पर सत्ता अपना अधिकार बनाए हुए हैं। कुछ समझ में आया कॉन्सेप्ट इतना? यहीं से अगर आप समझेंगे तो ये चीजें आपको दिखेगी कि ब्रिटिश क्राउन किस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है व्यापारिक गतिविधियों में और कैसे कैसे करता है। कॉन्सेप्ट आज आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, आई होप, समझ लिया है। अब इसमें केवल क्या क्या, किसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो देखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है वो देखना है, बाकी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास के लिए भी टाइम देना होगा हम लोग को।